जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे मशीनरी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ओपन कास्ट माइंस में यूज़ होता है। दोस्तों, आपका बहुत सारा रिकमेंडेशन था कि इस मशीन के बारे में जल्द से जल्द वीडियो लेके आएँ, तो आज मैं फाइनली इस मशीन के बारे में वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने जितने भी हमारे ओपन कास्ट माइंस में मशीन्स यूज़ होती हैं उन सभी मशीन के ऊपर में सेपरेट वीडियोस तो हमने कवर कर ही दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोस तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में। सबसे पहला तो हम लोग इसके रियलिस्टिक फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल को। उसके बाद हम लोग इसके अप्लीकेबिलिटी को देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखेंगे। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो हमारे प्रीवियस ईयर में के एग्ज़ाम में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मेक श्योर, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए हम लोग समझते हैं बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में। बकेट व्हील एक्सकेवेटर मशीन को बड़े बड़े लिग्नाइट माइंस में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस मशीन के हेल्प से हम लोग जो सॉफ्ट ओबी होता है और जो हमारा लिग्नाइट कोयला होता है, सॉफ्ट ओबी और हमारा जो लिग्नाइट कोयला होता है प्लस लिग्नाइट कोयला को यह कटिंग करने के लिए और साथ ही साथ वो कटिंग हुआ कोयला को लोड करने के लिए ये मशीन काम आती है। तो इस मशीन से हम लोग बेसिकली जो हमारा सॉफ्ट ओबी होता है या लिग्नाइट कोयला होता है उसको वो काटने और लोडिंग करने का काम करती है। ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका एनएलसी माइंस में देखने को मिलेगा, नवीली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनएलसी माइंस कहाँ पे है तो आपका बेसिकली तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है। आपका जो सीआईएल का जो सब्सिडरीज होता है उन सभी में आपको ये मशीन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एनएलसी के माइंस में ही देखने को मिलेगा। और उस माइंस में यह मशीन क्या करती है कि जो सॉफ्ट ओबी होता है उसको वो कटिंग करती है, साथ साथ आपका जो लिग्नाइट कोयला है उसको भी वो कटिंग करती है और लोडिंग करने का काम करती है। जैसा कि हम लोग को पता है कि फोर टाइप्स के आपके कोल पाए जाते हैं। एक होता है आपका पीट, पीट फिर से आपका लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट से आपका बिटुमिनस और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट। ये जो एंथ्रासाइट है वो आपका A1 ग्रेड का कोयला होता है। और ये जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट को ही ये मशीन क्या करती है कि आपका जो नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया माइंस है उस माइंस में जो लिग्नाइट कोयला है उसको वो काटने का काम करती है, साथ ही साथ उसे लोड करने का काम करती है। लिग्नाइट को अदर नेम से हम लोग ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। ये जो लिग्नाइट कोयला होता है वो आपका रेडिश कलर में आपको देखने को मिलेगा और वहाँ से आप इस कोयले को आप देख करके पहचान सकते हो। आइए अब हम लोग इसके रियलिस्टिक फिगर के ऊपर चलते हैं और वहाँ से हम लोग इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग इसके फिगर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इसके पार्ट्स को देखते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग क्रोलर माउंटेड कहते हैं। चूँकि यह रेंग रेंग के चलती है तो इसको हम लोग क्रोलर माउंटेड के नाम से जानते हैं। ये जो मशीन है वो आपका क्रोलर माउंटेड भी हो सकती है और आपका रेल माउंटेड भी हो सकती है, रेल माउंटेड भी हो सकती है। रेल पे जैसा हमारा ट्रेन होता है वो आपका रेल के पटरी पे चलता है, ठीक उसी तरह से ये जो मशीन है वो हमारा रेल के ऊपर भी चल सकती है। तो आपका क्रोलर माउंटेड भी होती है ये मशीन और आपका रेल माउंटेड भी होती है। ये हो गया। ये जो मशीन है वो उस मशीन का अगर आप नाम के ऊपर गौर करो तो ये इसमें लिखा हुआ है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, यानी कि इस मशीन में एक व्हील लगा होगा और व्हील के ऊपर में आपका बकेट लगा होगा। जैसा कि हम लोग फिगर में भी देख रहे हैं कि एक व्हील जैसा है और इसी व्हील के ऊपर में आपका बकेट लगा होता है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इजिली दिखाई दे। ये जो आप सेक्शन देख रहे हो इसको हम लोग बकेट कहते हैं। यही आपका रोटेट करता है और इसी के साथ आपका बकेट वो अटैच है। और बकेट में आप देखोगे कि कटिंग यूनिट्स लगा होता है। ये जो सेक्शन देख रहे हो उसको हम लोग कटिंग पिक्स कहते हैं। इसी के हेल्प से यह कोयला को या फिर सॉफ्ट ओबी को काटने का काम करेगी। जब यह व्हील जब रोटेट करेगा तो इसका जो बकेट है वो भी मूव करेगा और मूव करते हुए यह कोल को कटिंग भी करेगा। और जब कटिंग करेगा
तो इसका बकेट में वो कोयला वो फिल हो जाएगा, और जब कोयला फिल हो जाएगा बकेट में तो यहीं पे एक आपका इसी में इनबिल्ट कन्वेयर होता है। ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, इसको हम लोग बूम कन्वेयर कहते हैं। यहाँ पे एक कन्वेयर होता है, तो जब ये काटते हुए कोयला को जब काटती है और जब ये इसका जो व्हील है वो जब रोटेट करता है तो इसका कन्वेयर में गिरता है। और ये कन्वेयर क्या करती है कि एक डिस्चार्ज कन्वेयर होता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपका कोयला ये कोल को कटिंग किया, फिर आपका यहाँ बूम कन्वेयर में आया, बूम कन्वेयर के बाद आपका डिस्चार्ज कन्वेयर, ये यहाँ पे आपका डिस्चार्ज कन्वेयर होता है, और डिस्चार्ज कन्वेयर के बाद आपका फाइनली मेन बेल्ट कन्वेयर में गिरता है। और मेन बेल्ट कन्वेयर से आपको जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन करवाना होता है वहाँ पे हम लोग उस मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करवा देते हैं। तो ये है, और ये आपका लिफ्ट सिलेंडर हो गया। इसी के हेल्प से आपका जो ये बूम हो गया उसी को अप डाउन करने का काम करेगी। इसी विद द हेल्प ऑफ लिफ्टिंग सिलेंडर वी कैन रेज और वी कैन लोअर डाउन द बूम ऑफ दिस मशीन। ये हो गया। और इस फिगर में अगर हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो मशीन है वो आपका ओबी को कट कर रही है। तो यहाँ पे आपका कटिंग यूनिट लगा होता है, और जब ये कटिंग करेगी तो इसका जो बूम है, बूम कन्वेयर होता है, यहाँ पे कन्वेयर लगा होता है, उसी कन्वेयर में माल गिरता है। और जब माल गिरेगा यहाँ से तो एक आपका फिर फर्दर आपका एक डिस्चार्ज कन्वेयर होता है कुछ इस प्रकार से यहाँ। तो ये यहाँ से माल आई और यहाँ तक आ गया। अब फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लंबा सा कुछ रेल टाइप का बना होता है, तो इसको हम लोग मेन बेल्ट कन्वेयर कहते हैं। इस पर फिर फर्दर आपका जो मटेरियल है वो डिस्चार्ज कर देता है, और फिर ये मेन बेल्ट कन्वेयर जो है वो जहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग को मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, वहाँ पे ये मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन कर देती है मेन बेल्ट कन्वेयर। तो बेसिकली सबसे पहला तो हमारा बूम कन्वेयर से बीसी लिख देता हूँ, बूम कन्वेयर से हमारा डिस्चार्ज कन्वेयर पे गिरा माल, फिर आपका डिस्चार्ज कन्वेयर से आपका मेन बेल्ट कन्वेयर पे आपका माल गिरा। तो तीन प्रोसेस होते हुए ये जो मटेरियल है उसको वो लोड करके लोड करने का काम कर रही है। एक तो पहला वो बूम कन्वेयर पे गिरा, फिर आपका डिस्चार्ज कन्वेयर, फिर आपका मेन बेल्ट कन्वेयर से जहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम लोग मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करवा देते हैं। और यहाँ पे आप ये जो सेक्शन देख रहे हो इसको हम लोग काउंटर बैलेंस कहते हैं। ये काउंटर बैलेंस करती है, जब ये जो बूम है जब वो अपना मूवमेंट करेगा तो उसको वो काउंटर बैलेंस करने का काम करेगी। कैसे हम लोग जब भी एक एक हाथ में बाल्टी लेकर चलते हैं तो हमारा जो दूसरा हाथ होता है वो उठने लगता है। यदि हम लोग दोनों हाथों में बाल्टी को लेकर चलेंगे तो ईजिली होता है, हम लोग को ईजी होता है चलने में। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर काउंटर बैलेंस नहीं करेगा तो फिर इसका जो मूवमेंट है बूम का उसमें वो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। सो डैट्स वाई यहाँ पे आपका काउंटर बैलेंस दिया हुआ रहता है। अब हम लोग इसके लिखावटी पर आते हैं और यहाँ से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट में लिखा है कि दिस मशीन इज़ यूज्ड ओनली इन लिग्नाइट माइंस। ये मशीन का सिर्फ और सिर्फ आपका लिग्नाइट माइंस में यूज़ किया जा रहा है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉफ्ट ओबी एज वेल एज लिग्नाइट कोल। तो लिग्नाइट कोल को और सॉफ्ट ओबी को यह एक्सट्रैक्शन करने के लिए इस मशीन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लिग्नाइट जो कोल होता है उसको हम लोग ब्राउन कोल के भी नाम से जानते हैं। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न हैं, तो आप इसको देख लें कि लिग्नाइट कोल को हम लोग ब्राउन कोल के भी नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है कि इट हैज़ अ कटिंग बकेट। मैंने आपको फिगर में भी दिखाया है कि उसमें आपका बकेट में ही आपका कटिंग यूनिट लगा होता है, और जब यह बकेट आपका कट करती है कोयला को तो वो अपने लोड करती है कन्वेयर पे, जिसको हम लोग बूम कन्वेयर के नाम से जान रहे हैं। और बूम कन्वेयर फिर आपका डिस्चार्ज कन्वेयर के ऊपर मटेरियल को डंप कर दे रहा है, फिर आपका जो डिस्चार्ज कन्वेयर है वो आपका मेन बेल्ट कन्वेयर को मटेरियल को दे रहा है। तो ये चीज़ है कि इट हैज़ अ सेवरल कटिंग बकेट एंड गेट लोडेड विद द मटेरियल व्हेन द व्हील रोटेड। जब इसका जो व्हील है जब रोटेट करता है तो यह मटेरियल को कटिंग करने का काम करती है। फोर नंबर पॉइंट लिखा हुआ कि द फील्ड बकेट डिस्चार्ज द मटेरियल इनटू बूम कन्वेयर। मैंने आपको फिगर में भी दिखाया है। एंड देन बूम कन्वेयर ट्रांसफर इट इनटू मेन बेल्ट कन्वेयर।
पांचवा पॉइंट है कि ये जो मशीन है वो आपका बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इसको हम लोग चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रयोग करते हैं, ना कि हम लोग डीजल से इसका यूज़ करेंगे। इस मशीन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही ड्रिवन होती है ये मशीन। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ आइदर क्लोरल माउंटेड होगी या फिर यह रेल ट्रैक माउंटेड होगी। ये जो मशीन है, जैसा कि हमारा जो डंपर होता है वो तो हमारा टायर माउंटेड होता है, तो ये मशीन हमारा टायर माउंटेड नहीं है, ये हमारा या तो क्रोलर माउंटेड हो सकती है या तो हमारा रेल ट्रैक माउंटेड हो सकती है। यहाँ तक आपने समझा। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर को समझते हैं कि हम लोग इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है उसको हम लोग समझ। पहला पॉइंट है आपका, इट इज़ यूज्ड फॉर हाई प्रोडक्शन रेट। दोस्तों जहाँ पे भी हम लोग को प्रोडक्शन हाई चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग को बकेट व्हील एक्सकेवेटर मशीन का यूज़ करेंगे तो हम लोग को प्रोडक्शन जो है वो हम आपको हाई मिलेगा। सेकंड पॉइंट लिखा है कि इन इंडिया बकेट व्हील एक्सकेवेटर इज़ यूज्ड ओनली इन नवेली लिग्नाइट प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया NLC माइंस, ये ही माइंस में सिर्फ और सिर्फ आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर का यूज़ किया जा रहा है, और ये माइंस आपका कंटिन्यूस ऑपरेशन करती है, यानी कि ये 24 घंटा ये चलती है और कंटिन्यूसली ये कटिंग करती है, साथ साथ ये लोडिंग करने का भी काम करती है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस ऑपरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसके एडवांटेज सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इसके एडवांटेज को देखने वाले हैं। इस मशीन से हम लोग कटिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन तीनों एक साथ करवाते हैं, और इन तीनों ऑपरेशन को एक साथ करवाने के लिए इसका जो एफिशिएंसी है मशीन का वो ज़्यादा होता है, और चूंकि हम लोग तीनों ऑपरेशन एक साथ चलवाते हैं तो इसको हम लोग कंटिन्यूस ऑपरेशन भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, इट हैज़ एक्सीलेंट डिगेबिलिटी, यानी कि इसका जो डिगिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छा है। थर्ड नंबर पॉइंट है, क्रिएट मोर स्लोप स्टेबल स्लोप स्मूथ एंड लेवल बेंचेस। दोस्तों जब ये कोल बेंच को या फिर ओवरबर्डन बेंच को जब ये काटिंग करेगी तो इसका जो ब्लेड से जब ये कट कर रही है तो वहाँ पे एक स्मूथ और लेवल बेंचेस ये फॉर्म करती है। लास्ट है आपका, लोअर डिमांड ऑफ पावर। डीजल के कॉस्ट से अगर हम लोग इसका तुलना करें तो इसका जो खर्च है वो कम आता है, क्योंकि हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं। यदि हम लोग वहीं अगर बकेट व्हील एक्सकेवेटर को डीजल से चलवाते हैं तो डीजलिंग कॉस्ट वो हम लोग को ज़्यादा लगता एज़ कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी थे आपके एडवांटेज ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, वहाँ पे हम लोग समझते हैं डिसएडवांटेज ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर। पहला पॉइंट है आपका, इट इज़ अ लेस मोबाइल इक्विपमेंट, यानी कि ये जो मशीन है उसका जो मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, इसलिए इसको हम लोग लेस मोबाइल इक्विपमेंट कह रहे हैं। सेकंड है आपका, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन। दोस्तों ये मशीन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट है आपका, जनरली बकेट व्हील एक्सकेवेटर आर नॉट यूज फॉर रिक्लेमेशन वर्क। रिक्लेमेशन वर्क कहते हैं हम लोग बैकफिलिंग, जब हमारा जो ओपन कास्ट माइंस है जब हम लोग कोयला को पूरा निकाल लेते हैं तो वो जो एरिया बचता है उस एरिया को हम लोग डिकोल्ड एरिया कहते हैं, क्योंकि हम लोग ने कोयला को निकाल लिया पूरा तरीका से तो उस एरिया को हम लोग डिकोल्ड एरिया कहते हैं। तो उस एरिया में फिर से हम लोग बैकफिलिंग करवाते हैं, हमारा जो सॉफ्ट ओबी था उसको हम लोग जैसा वो पहले कंडीशन में था, जब माइनिंग हम लोग शुरू नहीं किए थे तो जब पहला कंडीशन में था तो उसको हम लोग वहाँ पे देने का कोशिश करते हैं, इसलिए जो गड्ढा हमारा क्रिएट हुआ उसको हम लोग फिर से भरते हैं बाय द हेल्प ऑफ या फिर आप कह लीजिए बाय द विद द सॉफ्ट ओबी से, तो उस चीज़ को हम लोग रिक्लेमेशन वर्क कहते हैं। तो रिक्लेमेशन वर्क जब हम लोग करते हैं तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर का वहाँ पे जनरली यूज़ नहीं होता है। ये था आपका डिसएडवांटेज। अब हम लोग को इसके क्वेश्चन जो हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेलिंग मैकेनिज्म फॉर बकेट व्हील एक्सकेवेटर इज, ऑप्शन आपका एक क्रोलर माउंटेड, ऑप्शन बी रेल माउंटेड, ऑप्शन सी टायर माउंटेड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो प्रोपेलिंग कहने का मतलब है कि प्रोपेलिंग या फिर मार्चिंग या फिर मूविंग, तो ये तीनों जो मैकेनिज्म है, प्रोपेलिंग का मतलब होता है कि चलना, तो ये मशीन आपका कैसे चलती है, तो यादर आपका क्रोलर माउंटेड होगी या फिर आपका रेल माउंटेड होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन
ऑप्शन डी इज द राइट वन। तो ये मशीन आपका क्रोलर माउंटेड भी होती है, रेल माउंटेड भी होती है, ये आपने समझा। सेकंड है आपका जो क्वेश्चन है वो बकेट व्हील एक्सकेवेटर इज डिप्लॉयड इन, ये जो क्वेश्चन है वो आपका WCL माइनिंग सरकार 2018 में के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, डिप्लॉय कहाँ पे किए हैं, तो आपका नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC माइंस में इसका यूज़ हो रहा है, और सिर्फ आपका नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में ही इसका यूज़ हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसमें हम देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंटिन्यूस डिस्चार्ज टाइप इक्विपमेंट, ये आपका सेकंड क्लास मैनेजर एग्जाम में पूछे गए हैं, 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज अ कंटिन्यूस डिस्चार्ज टाइप इक्विपमेंट। तो ऑप्शन ए आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ऑप्शन बी सोवेल, ऑप्शन सी ड्रैग लाइन, ऑप्शन डी स्कैपर, ऑप्शन ई पेलोडर। तो आपका जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज टाइप इक्विपमेंट है वो आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो मैक्स योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।